सोवियत संघ यूएसएसआर के आखिरी राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव का 30 अगस्त को निधन हो गया। वे 91 साल के थे। गोर्बाचोव को शीत युद्ध को अंत कराने का श्रेय दिया जाता है। रूसी मीडिया ने जानकारी दी है कि गोर्बाचोव का निधन मॉस्को के अस्पताल में हुआ। वे लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। मिखाइल साल 1985 में यूएसएसआर के राष्ट्रपति चुने गए थे और साल 1991 में उसके विघटन तक उस पद पर रहे। हालांकि गोर्बाचोव सोवियत संघ के विघटन में कभी खुश नहीं थे। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक हाल के सालों में उनकी तबीयत लगातार खराब रही। अस्पताल में आना जाना लगा रहा। जून में इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट आई कि उन्हें किडनी की बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि उनकी मौत की वजह अब तक सामने नहीं आई है। कम्युनिस्ट पार्टी के अलग अलग पदों पर रहने के बाद साल 1985 में 54 साल की उम्र में गोर्बाचोव पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने और इसीलिए सर्वोच्च पद पर होने के कारण सोवियत संघ के नेता चुने गए। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने कई सुधारों को लागू किया था। बताया जाता है कि उनकी नीतियां पूर्ववर्ती कम्युनिस्ट सरकारों से अलग थी। इसके अलावा उनके कार्यकाल में अमेरिका सहित पश्चिमी देशों के साथ सोवियत संघ के संबंध ठीक हुए थे। गोर्बाचोव का जन्म 2 मार्च 1931 में दक्षिणी रूस के एक किसान परिवार में हुआ था। 1955 में वे मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए। इस वक्त तक वे रूस की कम्युनिस्ट पार्टी में सक्रिय हो चुके थे। साल 1961 के आसपास गोर्बाचोव यंग कम्युनिस्ट लीग के क्षेत्रीय सचिव बन गए। पत्नी रईसा के साथ मिलकर पार्टी के काम में हिस्सा लेते रहे। साल 1970 में उन्हें स्टावरोपोल रीजनल कमेटी का पार्टी सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। 1985 में यूएसएसआर के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद उन्होंने सुधारवादी कार्यक्रमों को लागू करना शुरू किया। मिखाइल गोर्बाचोव का नाम जब भी आता है उनकी दो नीतियों की चर्चा जरूर होती है, ग्लासनोस्त की नीति। इसके तहत लोगों को सरकारी संस्थानों में पारदर्शिता को बढ़ाया गया और लोगों को सरकार की आलोचना का अधिक अधिकार दिया गया। दूसरी पेरेस्ट्रोइका नीति, इसके जरिए आर्थिक नीतियों को विकेंद्रित किया गया। आर्थिक सुधारों को गोर्बाचोव की दूसरी नीतियों को सोवियत संघ के विघटन का कारण माना जाता है। शीत युद्ध की समाप्ति में गोर्बाचोव की अहम भूमिका के लिए साल 1990 में उन्हें नोबेल पीस प्राइज, नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। हालांकि रूस की आबादी का एक बड़ा हिस्सा सोवियत संघ के विघटन के लिए गोर्बाचोव को जिम्मेदार मानता है। इसके अलावा 1990 के दशक की शुरुआत में देश में सामाजिक आर्थिक संकट के लिए भी उन्हें जिम्मेदार माना जाता है। हालांकि बाद में गोर्बाचोव ने कहा था कि उन्होंने अपने काम के जरिए सोवियत संघ के संस्थापक व्लादिमीर लेनिन के सिद्धांतों की तरफ लौटने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि उनका मकसद अर्थव्यवस्था को मजबूत करना था। साल 2011 में गोर्बाचोव ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था, सिद्धांत और व्यवहार दोनों तरीके से हम लेनिन की विरासत को वापस लौटाना चाहते थे। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस में उनकी लोकप्रियता में काफी कमी आई। 1996 में गोर्बाचोव ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और उन्हें 1% से भी कम वोट्स मिले थे। बाद में उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के साथ अच्छे संबंध बनाए। गोर्बाचोव को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का आलोचक माना जाता है। उन्होंने कई मौकों पर पुतिन की खुलकर आलोचना की है। हालांकि 2014 में उन्होंने क्रीमिया पर रूस के कब्जे का समर्थन किया था। अपनी आलोचना के बावजूद पिछले साल पुतिन ने मिखाइल गोर्बाचोव को मौजूदा दौर के सर्वश्रेष्ठ नेताओं में एक बताया था। इस साल जब रूस ने यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई की, गोर्बाचोव इस फैसले से खुश नहीं थे। ये सारी जानकारी एकत्रित कर लिखी थी आपके लिए हमारे साथी साकेत ने। कैमरा के पीछे हैं जतन, मैं हूँ आस्था। अपना ख्याल रखिए और बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।